नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ABCD कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों, ये कीबोर्ड है वो पहले के ज़माने में यूज़ होते थे, बट जब से QWERTY कीबोर्ड आया है इसका तो पूरा क्रेजी चला गया है। तो वैसे तो ये कम जगहों पे यूज़ होता है, बट आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, वहाँ पे आपको टाइप करना है अल्फाबेटिकल कीबोर्ड। तो इसे मैंने डाउनलोड करके रखा है, आप डाउनलोड कर लेना, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसे ओपन। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है, और यहाँ पे स्विच इनपुट पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको पहला वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो इसे अनेबल करना काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर हम इसके सेटिंग्स को देख लेते हैं। अब दोस्तों, सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी लैंग्वेज मिल जाती है। अब यहाँ पे रेफरेंस में आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं, साउंड के, वाइब्रेट के, और यहाँ पे टेक्स्ट में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे एडवांस में हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कभी कभार ये हाइड भी हो जाता है, तो डरने की बात नहीं है। तो इसे हम ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन है, वहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से अपने पुराने कीबोर्ड में जा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, साथ ही साथ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और घंटी को भी ऑल पर प्रेस कर देना। इंस्टा और ट्विटर पे हमें फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।